नूरपुर के कस्बा जसूर पंचायत और छत्रोली पंचायत में जब्बर खड्ड के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। विभाग आंखें मूंद कर सो रहा है। विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे अज्ञात लोगों की पहचान पत्र चेक करने की मुहिम के दौरान जसूर से जाने वाले नाले के किनारे बनी झुग्गियों में हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग को लाखों रुपए की बिजली चोरी होने का मामला उजागर हुआ है। नूरपुर के कस्बा जसूर पंचायत और छत्रोली पंचायत में जब्बर खड्ड के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। विभाग आंखें मूंद कर सो रहा है। विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों द्वारा झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे अज्ञात लोगों की पहचान पत्र चेक करने की मुहिम के दौरान जसूर से जाने वाले नाले के किनारे बनी झुग्गियों में हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग को लाखों रुपए की बिजली चोरी होने का मामला उजागर हुआ। यहां पर विभाग द्वारा एलटी बॉक्स से कनेक्शन दिया गया और एक ही मीटर लग पाया और ये मीटर भी बंद पड़ा है और उस मीटर से चोरी करके आगे कई झोंपड़ियों को लाइट दी गई है। विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों द्वारा बिजली विभाग को मौके पर बुलाया गया। मौके पर आए जेई ने बताया कि मीटर का कनेक्शन गलत जगह से है और मीटर से आगे बिजली चोरी की जा रही है। उन्होंने तुरंत विभाग को सूचित किया और तुरंत ही कार्रवाई की और मीटर से आगे जाने वाली तारों को काट कर अपने कब्जे में ले लिया और विभाग द्वारा इन चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर विभाग का कोई कर्मचारी अगर गलत पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। से हमें विभाग से जानकारी मिली कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रही है। हम आए अपने स्टाफ के साथ और जो भी अवैध कनेक्शन थे उनके तार वगैरह काट के हमने कार्य काटी है और इस चीज़ के आगे भी हम जानकारी रखेंगे। ये जो मीटर लगा हुआ था ये एलटी कनेक्शन से लगा हुआ था क्या, इसकी भी जांच करेंगे हम। इसमें हैरानी की एक बात ये भी है कि आज विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया था। नियमों के अनुसार मीटर लगाने आम स्थायी निवासी के लिए कई फॉर्मेलिटी होती है, पर यहाँ पर रह रहे लोगों की जमीन भी अपनी नहीं, फिर विभाग ने मीटर कैसे लगाया ये भी एक जांच का विषय है। इसी तरह दूसरी ओर जसूर के पीछे भी थोड़ा बलून पुल के पास बनी झुग्गियों में भी ऐसा ही किस्सा है। केवल एक मीटर है और बिजली कई झोंपड़ियों में जा रही है, पर विभाग देखकर भी अनजान बनकर सोया दिख रहा है। वहीं जब एसएससी रुमाल सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मामले के बारे में अभी पता चला है। उन्होंने एक्सियन जफर इकबाल से फोन पर बात करके उन्हें सारे मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।